दिल्ली की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है जो जो देश भर में नहीं हो सका, वो है देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस। अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने जाइए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। दूसरी ओर हम देख सकते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों को देखें तो वहां पर दिल्ली के कंपैरिजन में शायद उसकी आधी मिनिमम वेजेस होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, वो अपने राज्यों में तो बहुत कम मिनिमम वेज देती है और दिल्ली में भी उसे रोकने का भरसक प्रयास करती रहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि कल हमारे श्रम मंत्री मुकेश अहलावत जी ने ये फैसला लिया है और मिनिमम वेजेस का इंक्रीज हम नोटिफाई कर रहे हैं। जो अनस्किल्ड मिनिमम जो अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस को 18,066 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस को 19,929 रुपीज पर बढ़ाया जा रहा है, स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस 21,917 पर बढ़ाया जा रहा है। और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपये होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपये कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपये होती थी, जो आज 2024 में 19,929 है। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपये होती थी, जो आज 21,917 रुपये दिल्ली में है।